जब तक हमारी बातों को पूरा नहीं करेगी ये सरकार, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। नहीं तो सरकार तो नहीं लगता आपकी बात पूरी करेगी। क्यों नहीं करेगी? सत्ता में कौन बैठा है? अगर सरकार भी हमारी बात नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? तो सुन कहाँ रही है सर, 10 महीने हो गए आपको। सुनेगी, क्योंकि भगत सिंह ने कहा है कि बहरे लोगों के कान खोलने के लिए एक धमाके की आवश्यकता है, और किसान बार बार धमाके कर रहा है किसी न किसी रूप में। जैसे कि अभी 5 तारीख को एक बहुत बड़ा धमाका पंचायत कर के सरकार को हमने जताया, दिखाया, और सरकार के कान खुल गए। उसी वक्त सरकार बोलने लगी, क्या लगा हम बात करने को तैयार है। इनके कई नेताओं के बयान भी आए उस दौरान। सर बात करने को तो पहले से कह रही है। नहीं बात करती कहाँ है, बात करती कहाँ है। बात करनी है तो आओ ना यहाँ पे। कितनी दूर बैठे हैं हम, उनको किसान जाकर के गुजरात दिख जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाकर के मोदी जी को किसान दिख जाते हैं। क्या यहाँ बॉर्डर पे बैठे किसान नहीं दिख रहे? क्या ये किसान नहीं है? ये किसान ही है, उसको आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री अगर आएगा यहाँ, स्वागत है, अगर हमारी बात सुने। अब उसने क्या कर रखे, उसने कुछ दल्ले छोड़ रखे बीच में। क्या लगा किसी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त कर दो, तो समाप्त कैसे हो जाएगा आंदोलन? 10 साल भी चलेगा आंदोलन अगर सरकार नहीं मानेगी। हाँ चल जाएगा 10 साल। चलेगा क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये क्रांति विचार की क्रांति है, और विचार की क्रांति को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज जो मेरा बेटा घर पे बैठा है देख रहा है कि मेरा बाप 10 महीने से खड़ा होकर के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है, और खड़ा होकर के अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। वो आदमी जानता है, वो बच्चा जानता है कि मेरा पिता संघर्ष कर रहा है, और किस लिए कर रहा है? अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने बच्चों के लिए, इस देश का जो किसान है उसके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। कई नेता कहने की किसानों को अब जिद छोड़ देनी चाहिए, और जो सरकार कह रही है संशोधन के लिए उस पर राजी हो जाना चाहिए। भाई इस देश का जो किसान है उसको देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सरकार तो 5 साल में आएगी चली जाएगी, लेकिन बात किसान की है। सरकार के बिना काम चल सकता है? सरकार दूसरी आ जाएगी, लेकिन किसान की जरूरत दिन में 3 बार पड़ती है। किसान जिस फसल को उगाता है उस फसल के लिए इंसान को सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त भोजन की आवश्यकता होती है, और उस भोजन को पैदा करता है किसान। जब ये किसान की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? सुनील जी चक्कर क्या है, किसानों की मांग गलत है या सरकार गलत है, आखिर इस पे फैसला क्यों नहीं हो रहा? देखिए सरकार अपने घमंड में आ रही है, ये चल रही है हिटलर साहिब है, ये चाह रही है कि भाई मैं इनकी आवाज को दबा दूं, जो मैंने कर दिया ठीक कर दिया। यार ये दोनों चीज में फर्क है, एक तो ये कि मैं ठीक हूँ और एक मैं ही ठीक हूँ, दोनों चीजों में अंतर है। मैं ठीक हूँ और मैं ही ठीक हूँ, इन चीज़ों में अंतर है। मैं ही ठीक गलत हूँ, मैं ही ठीक हूँ वो गलत है, और मैं ठीक हूँ वो सही है। 5 महीने बाद यूपी में चुनाव है, सरकार को उसका भी डर नहीं है बिल्कुल भी? डरी हुई तो है सरकार, कहाँ भागे तो फिर रहे हैं योगी जी, भागे तो फिर रहे हैं, दौड़े तो फिर रहे हैं। पूरी भाजपा लगी हुई है आज, शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास के अंदर गुजरों का कितना बड़ा अपमान किया उन लोगों ने, जब सभी को पता है कि गुज्जर मिहिर भोर जी इनका नेतृत्व करते थे, और उनका शासन बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक का था। इतने बड़े लड़ाके थे वे, उन्होंने हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इन लोगों ने कौन सी राजनीति खेली इस चीज़ के अंदर, इनका जो गुजरों को अपमान करने के लिए? जब प्रतिमा लगाई है, एक बार बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी भी नाम के साथ गुज्जर जोड़ते हैं, पहले से उनके नाम के शब्द के साथ गुज्जर जुड़ता आता है, तो इन लोगों ने गुज्जर शब्द क्यों नहीं जोड़ा? और आज ये अंधभक्त अब दुष्प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं वो तो गुज्जर थे ही, कोई ठाकुर कह रहा है कोई गुज्जर कह रहा है, लेकिन उसका इतिहास तो पढ़ो। मैं उन गुजरों भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग भाजपा का बिना बात में समर्थन कर रहे हैं उनको मिहिर भोज का इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ कितने महान व्यक्ति थे। गुजर ने लगाया उस पर विवाद हो रहा है, वो जानबूझ कर है या गलती हो गई है? ये जानबूझ के कर रही है भाजपा सरकार, ताकि गुजरों की राजनीति को समाप्त कर सके। क्योंकि जो गुजर बिरादरी है ये कौम एक मजबूत कौम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो दादरी है वो तो गुजरों की राजधानी कहा जाता है, बहुत बड़ा एरिया है गुजरों का, वहाँ कैसे वो इंटरफेयर करते हैं? देखिए मैं बताता हूँ चीज में फर्क क्या है। चीज में अंतर यह है, कुछ लोग भाजपा के समर्थक है गुज्जर, और कुछ लोग समर्थन में नहीं है। तो भाजपा क्या करती है, भाजपा ये करती है कि जो उसके पक्ष का आदमी है उसको मजबूत करती है, बाकी फिल्टर हो जाएगा। वो अपने आदमी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि वो आदमी जो भाजपा से बंधा हुआ है, जो भाजपा से एक बार बंध गया उसको अलग नहीं होने देते, क्योंकि उसके लिए साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करते हैं। आप तो अलग हो गए सर। हम कहाँ अलग हुए हैं? किससे? भाजपा से। भाजपा को जब 2014 में वोट दिया था इसलिए वोट दिया था कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमसे हमारी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ले। तो सर और हमने जब हमने भाजपा को चुना था तो आज हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि एक ही बात होती है, अगर राजनीति में दो ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा या शिकार है। लेकिन जब हमने अपनी पसंद की सरकार चुनी,
तो हमें सवाल करने चाहिए, और जिसने नहीं चुनी उसको ज्यादा सवाल करने चाहिए, और जिसने चुन ली उसको और उसके हक की बात नहीं हो रही है और हमारे अधिकारों की बात नहीं हो रही तो हमें और ज्यादा करना चाहिए। अगर हम इस सरकार से सवाल न कर सके तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हमने चुन क्या लिया जिसने हमारी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली। लेकिन अब तो योगी सरकार महेंद्र टिकैत सिंह के नाम से रोड भी अगर नाम बदलने से विकास हो जाता हो तो मेरा नाम नरेंद्र मोदी रख दो। देखो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या? सम्मान तो मिल रहा सर, सम्मान मुझे नरेंद्र मोदी बोल दो तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, कोई मान लेगा क्या मुझे? मिल रहा ना चौधरी सम्मान जी को, सम्मान आज से पहले सम्मान कहाँ गया 4 साल से, जब महेंद्र सिंह टिकैत जी के वंशज यहाँ बैठे हुए यहाँ किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब कहाँ गया वो सम्मान? तब से क्यों नहीं कर रहे 10 महीने सम्मान? आज राजनीतिक जो ये गेम खेलना चाहते हैं उसके लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर नामकरण हो रहा है सड़कों का। आज तक योगी जी ने किया क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? सिर्फ नाम बदले हैं, विकास नहीं, होर्डिंग के ऊपर विकास दिखा रहे हैं। वो तो बंगाल के पोस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर लगा के दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश है बंगाल के पोस्टर को लगा करके। ये जनता मूर्ख नहीं है, समझदार है जनता। अपना रिपोर्ट कार्ड दिया योगी जी ने, 50 मिनट बोला है, तारीफे करें योगी जी अपनी रिपोर्ट कार्ड सौंप रहे हैं ना। जब योगी जी इतने बड़े आदमी है ना, देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं एक स्टाम्प बना कर देते जो इन्होंने बात बोली है उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स बना करके दे, एक स्टाम्प बना करके दे और उस पर लिखे कि अगर मैं सरकार अगर मैं जनता की बात न मानी 5 साल में कार्य पूरे ना करे पहले तो पिछले वाले पूरे करवाओ। अगर मैंने पूरे ना करे मेरे ऊपर मुकदमा चले 420 का, उस आदमी को जेल होनी चाहिए। क्यों नहीं करते इस काम को? जनता को मूर्ख बना रहे हैं, एक पेपर लिख करके बोल दे मैं इतने बड़े बड़े वादे कर रहा हूँ, काम करना नहीं है। सर आपको नहीं लगता आपका आंदोलन कमजोर हो रहा? नहीं, हमारा आंदोलन तो मजबूत है। आपने देखा नहीं 5 तारीख को वे 25 लाख आदमी वहीं थे और 5 लाख ट्रैक्टर भी वहीं थे। हुआ तो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, कर क्या रहे हैं हम? क्या कोई हम इस सरकार की बहरी सरकार की जो ये कान है ना बंद कर रखे डटक उसको निकाल रहे हैं बाहर, और वो हमने निकाला 5 तारीख को। इतना बड़ा धमाका क्या कि वहां तक आवाज गई है, उस मोदी का सिंहासन हलने लगा, अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा इसको। सरकार का तो कोई जवाब ही नहीं आया आपके पंचायत में। आप एक बात बताए, जब इंसान फंस जाता है क्या करेगा? सांप के मुंह में छचुंदर आ गई, निकाले तो मरे, काटे तो मरे। ये तो सर आप पहले दिन से कह अब कह तो रहे हैं, अब उन्होंने उखाड़ लिया गया इसका आंदोलन का कुछ, उन्होंने पूरा प्रयास किया। जब 28 तारीख की रात को, 28 जनवरी की रात को मैं यहाँ मौजूद था, मैंने और सारा सिस्टम देखा, मैंने पूरा देखा ये कर क्या रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने फोर्स लगा रखी थी, मारने का प्रयत्न किया जा रहा था, उस दिन तो उनसे आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अगर सर संशोधन पे बात बन जाए तो दिक्कत क्या है? बस सबसे पहले तो हमें दिया क्यों चीज? एक बात बताओ, मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती चीज दे दूं, मैं कह लूं भाई तुम इसको ले लो, तुम्हें नहीं लेना, क्यों क्यों जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? देश का किसान विरोध जबरदस्ती थोड़े, अरे क्यों नहीं कर रहा? पूरे देश का किसान विरोध कर रहा है, सिर्फ भाजपा वाले विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनके अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा चुकी है। अगर वो अपने सरकार के खिलाफ सवाल करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले देगी। वो बैठे हैं सर मनवीर तेवतिया, वहाँ पर कह रहे संशोधन से हम राजी हैं। वो भी बैठा आपका भानु प्रताप है, वही भानु प्रताप है जब आंदोलन में यहाँ आकर के आया था, शुरू में क्यों आया था वो, और जब आकर के वो चला गया था, जाने के बाद क्या हुआ, गाँव वालों ने भगा दिया, फिर उसको 26 जनवरी को फिर बहाना मिल गया, फिर वापसी चला गया ना, तो काफी नेता गया, पैसे लेके गया ना। ये वही भानु प्रताप है जिसको हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने पंचायत से भगा दिया था, गाड़ी भी खड़ी कर ली थी, इसने 15 लाख रुपए की रिश्वत ली थी 2 लोगों को भर्ती कराने के लिए। ऐसे लोगों, ये वही लोग है, कौन सपोर्ट कर रहा है ऐसे लोगों को? अरे ये तो भाजपा के दलाल है, ये भाजपा के दलाल है, दलाल लिखा रहे हैं ये लोग। अच्छा। अगर किसान यूनियन में इनका अस्तित्व होता तो भारतीय किसान यूनियन से अलग क्यों होते हैं? सर भारतीय किसान संघ के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जंतर मंतर पे जो है आंदोलन किया था एक दिन के लिए, वो ये कह रहे हैं कि हमको केवल लाभकारी मूल्य चाहिए खाद्यान्न पर लाभकारी मूल्य चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, हमें MSP की गारंटी दो, इस पे कानून बनाओ। कानून क्यों नहीं बनाते भाई, जब यह सरकारी प्रधानमंत्री देश का कह रहा है MSP थी है रहेगी, कितने % लोगों को मिल रही है? ये लोगों को भ्रमित करते हैं सिर्फ, इन्होंने क्या काम किया, अपने थैले पे अपने फोटो लगा लेते हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं ना, बोर्ड लगा देंगे बड़े बड़े योगी जी के बोर्ड वहां तक जा रहे हैं हरियाणा में पूरे इसमें दिल्ली में, इसका मतलब क्या है, किसका पैसा है वो जनता का पैसा है, हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, उसको बर्बाद किया जा रहा। जब नरेंद्र मोदी जी को बढ़िया बढ़िया सामान लेकर के आने का व्यवस्था करनी, मोदी जी को ये अंधभगत नु कहते हैं, कहला मारा मोदी जी कुछ नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ मोदी जी 11 बार की पेंशन क्यों ले रहे, और कहाँ वो पेंशन है? सर आपको नहीं लगता कि सबकी पेंशन समाप्त कर दो ना नेताओं की, क्यों नहीं करी जाती भाई? हमारी चीज में तो कटती करोगे तुम लोग, उनकी चीज में कोई कटौती नहीं करोगे। अगर एक बार वो विधायक बन गया, फिर MP बन गया, MLA बन गया, जितनी बार बना उतनी बार की पेंशन जाती है, क्यों जाती है इतनी बार की पेंशन उसमें? सर आपको नहीं लगता कि आपकी कोई अहमियत नहीं बची सरकार की नजरों में? हमारी अहमियत सरकार को पता है, जानती है, वो कुचलने का प्रयास तो करिए, लेकिन हमारी अहमियत जानते, अगर हमारी अहमियत ना होती ना तब तक तो उठा के डब्बों में पैक कर दिया होता उन्होंने हमें।
हमारी अहमियत है और उनकी नज़रों में है। वे जानते हैं कि जो उगाना जानता है वो काटना भी जानता है, और इस सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। अभी 2022 में दिया जाएगा, फिर 2024 में लड़ाई को चुनाव बनाव तो कहना मत सर। एक ताकत है चुनाव, ये अंगूठा है हमारे पास। आप जातिवाद पे करते हैं, ये अंगूठा है हमारे पास। हम नहीं करते जातिवाद पे, जातिवाद पे हम नहीं करते। हम तो वचनबद्ध है, यूपी का यूपी का हम वचनबद्ध है, हम वचनबद्ध है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ, जनता जाति धर्म पे वोट करती नहीं करती। यूपी की जनता को ये लोग जो बांट रहे हैं ना, हम आज यही तो यहाँ से सबक देना चाह रहे हैं। जो 70 साल इन लोगों ने बांटने में काम किया, 10 महीने में इस किसान यूनियन ने और इस संयुक्त किसान मोर्चा ने सबको छत के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। योगी हर मंच पे राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, यार लोग तालियां बजा रहे हैं। योगी का काम क्या है? जिस आदमी ने अपना घर दर त्याग दिया और साधु संत बन गया हो, उसका मोह माया से क्या मतलब है मुझे बता दो। मोह माया से क्या मतलब है उसका? अब मोह माया वही आदमी इस देश का यहाँ ऊपर बैठ करके मुख्यमंत्री बन रहा है। जिस आदमी ने संन्यास ले लिया वो तो सन्यासी हो गया ना, सत्ता का लालच क्यों है उसको आदमी? हाँ, सन्यासी सर, एक ऐसा संत महाराज बता दीजिए। जितने जितने ये संत महाराज, जितने संत महाराज है बड़े बड़े, देख लो जो जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, वे लोग ऐसा आराम काट रहे हैं। इतनी 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 संपत्तियां उनके पास है, उनके मर्डर किए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी जगहों को बेचा जा रहा है। इतनी संपत्ति कभी तो ना दी, आज तक कोई भंडारा लगाया इन्होंने है, या सिर्फ लेने लेने के रह गए। अरे इन लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। इतना इतना भंडार भरा पड़ा है इन मंदिरों के अंदर, अरे कभी राम मंदिर के नाम पे बांटते हैं, कभी मंदिर पे बांटेंगे, कभी मस्जिद पे बांटेंगे। मैं इस सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, जोन से धर्म की ठेकेदार सरकार बनी बैठी है या मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुम राम मंदिर का इतना बड़ा जिक्र करते हो और तुम हिंदुत्व के इतने बड़े ठेकेदार हो, तो मुझे एक बात बता दो, जब बाबरी मस्जिद का गुंबद घेरा गया था, उस बाबरी मस्जिद के गुंबद पे 2 लड़के थे हिंदू के, आज वे कहाँ हैं? उन्होंने क्यों इस्लाम धर्म कबूल कर लिया? तुमसे क्यों उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई? क्यों सुरक्षा नहीं करी उनकी? अगर हिंदू के इतने बड़े ठेकेदार है, क्योंकि आरएसएस सिर्फ पार्क में अंदर जा, पार्क के अंदर जाकर वहाँ लट्ठी डंडे चला सकते हैं, कच्छों पैर के घूम सकते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं कर सकते किसी की। 10 महीने हो गए यहाँ पर, क्या रणनीति आप लोगों? अब रणनीति यहाँ बता दे, रणनीति बनाई जाती है, अप्लाई की जाती है, बताई नहीं जाती। अगर बता दी तो कल सरकार क्या करेगी? उसकी काट टोएगी। ये अगर सरकार ने सोच रही हो सफेद मोरों से खेल रही है, वो नहीं खेल रहे, किसान सफेद मोरों से चल रहे हैं। सरकार हमारे हिसाब से चल रही है, पहले हम चाल चलेंगे उसके बाद काट करेंगे वो। मोदी जी भी मोरों से बहुत खेलते हैं, आपने देखा मोदी जी मोर से तभी तो तोता आता है काटने, जब तो हाथ ढक दिया जाता है, तोते से भी डर लगता है। है ये वही प्रधानमंत्री है जिस रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर के चाय बेचता था, पूरी रेलवे लाइन बेच दी, पूरा भारत बेच दिया, और तो और देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, जहाँ सुरक्षा का सवाल आता है, और कहता है मैं देश की सुरक्षा कर रहा हूँ, क्या छोटा।